नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार। कल रात 2:40 पर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर उर्फ रावण रिहा कर दिए गए। आपको बता दें, पिछले 15 महीने से चंद्रशेखर सहारनपुर की जेल में थे। उन पर रासुका लगाया था NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। 15 महीने पहले सहारनपुर में एक जातीय हिंसा घटी थी जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। वहाँ पर दलित जो जिसके भीम आर्मी है उसके बीच और वहाँ के जो ठाकुर जाति है उनके बीच में क्लैशेस हुए थे। बता दें, जैसे ही चंद्रशेखर जेल से बाहर आए उन्होंने साफ साफ कहा लोगों को इकट्ठा होना चाहिए कि 2019 के चुनाव में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंके। और उन्होंने ये भी आशंका जताई कि एक हफ्ते के भीतर शायद सरकार उन पर कुछ और आरोप लगाकर फिर से वापस जेल में डाल दे। आपको बता दें, यूपी की योगी सरकार ने 2 कारण बताए चंद्रशेखर को आज़ाद करने के। पहला, उनकी माँ का खत। उन्होंने कहा कुछ हफ्ते पहले उनकी माँ का एक खत आया था जिसमें अपील थी कि चंद्रशेखर को आज़ाद किया जाए। और दूसरा था चेंज सरकमस्टांसेस। 15 महीनों में सरकमस्टांसेस चेंज हो गए, इस वजह से उन्हें रिलीज़ किया जा रहा है। आपको बता दें, पिछले महीने दिल्ली में भीम आर्मी ने एक बहुत बड़ी रैली बुलाई थी और हज़ारों हज़ार के जनसमर्थन यहाँ पर जुटा था, तो उसका भी हो सकता है प्रेशर है। लेकिन जो चेन सरकमस्टांसेस की बात है, 31 अक्टूबर, आने वाले महीने में 31 अक्टूबर की तारीख थी जब तक जो रासुका एक्ट लगा था, जो आरोप चंद्रशेखर पर लगे थे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के, क्या एक उस पर उन योगी सरकार को ये डर था वो उसे प्रूफ नहीं कर पाएगी। इससे पहले, इससे बचने के लिए, अपनी किरकिरी से बचने के लिए उन्होंने योगी को, उन्होंने चंद्रशेखर को आज़ाद किया। ये बड़ा सवाल है। लगातार इस तरह के पॉलिटिकल न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करें।